आज हम सिर्फ दो ही लोग हैं जो माउंट आबू में घूम रहे हैं। ये हमने शेड वाली बोट, भैया बोल रहे हैं कि अभी आधा घंटा लगेगा उसको आने में, तो वर्थ नहीं, छोटी बच्ची हो गया। एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ में, हमने अपनी कार पार्क की थी, अभी हम लोकेशन भूल चुके हैं कि वो गाड़ी हमने कहाँ पार्क की थी। हम अपने होटल रूम से निकल गए हैं नक्की लेक जाने के लिए, तो पहले नक्की लेक कवर करेंगे, उसके बाद में डेलवाड़ा टेम्पर एंड उसके बाद यहाँ की जो लोकल मार्केट है उसको कवर करेंगे। अभी हम लोग नक्की झील जा रहे हैं, तो आए थे कार से, लेकिन जहाँ पर एंट्री लेनी है वहाँ पर अभी एंट्री बंद की हुई है, तो आपको दिखाता हूँ कि अभी हमने कहाँ पे गाड़ी पार्क की है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर का रास्ता है जहाँ पे आप जा सकते हो गाड़ी पार्क करने के लिए। यह है पोलो मैदान, नगर पालिका मंडल आबू पर्वत। यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ा मैदान है और पार्किंग में यहाँ पे ओपन में है पार्किंग, और गाड़ी साफ करने वाला भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 100 रुपये पर कार पार्किंग है। ये मेन अम्बेडकर सर्किल है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर बोर्ड भी लिखा हुआ है गाइड करने के लिए कि नक्की झील, रघुनाथ मंदिर, गणेश मंदिर, सनसेट पॉइंट के लिए किधर किधर जाएं। आज हम सिर्फ दो ही लोग हैं जो माउंट आबू में घूम रहे हैं, जो हमारे पार्टनर साहब हैं ec.ojha, उनको थोड़ा काम है तो वो होटल में रुके हुए हैं, तो शाम को देखते हैं एक बार कि ज्वाइन कर पाते हैं हमको कि नहीं। ये थोड़ी बहुत शॉप्स खुली हुई हैं, विंटर का मेनली यहाँ पे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं लोग। ये है वो पॉइंट जहाँ पे कार की एंट्री इन्होंने बंद की हुई है, जो लोकल्स वगैरह हैं वो अपनी कार अंदर लेके जा सकते हैं, बट विजिटर्स को कार अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि नक्की झील दिखने लगी है और बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे आप। अंदर भी बेंचेस वगैरह और मचान टाइप से दिया हुआ है बैठने के लिए, क्योंकि तो सब लोग बोटिंग नहीं करते हैं, जो लोग साथ में आते हैं कुछ लोग बोटिंग करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ये हमने शेड वाली बोट ली है, नॉर्मल जो बोट है उसका जो रेंट है वो 200 रुपये, ये 400 रुपये। टिकट लेने के बाद जैकेट अलग से लेनी है, यहाँ अलग अलग टाइप की बोट है, जो शेड वाली है उसमें एक कार वाली बोट हुई है उसी का वेट कर रहे हैं अभी हम। पैडल वाली बोट है लेकिन इसको चलाने में हमारा दम सूख जाएगा। बोट में बैठ गए हैं, उस बोट का वेट कर रहे थे, वो थोड़ा कार टाइप दिखती है, बट भैया बोल रहे हैं कि अभी आधा घंटा लगेगा उसको आने में, तो वर्थ नहीं लग रहा है उसके लिए वेट करना, तो इसी को लेके हम निकलते हैं। ये है वो कार वाली बोट जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं मिल पाई तो हम अपनी ये वाली बोट लेके ही निकल गए।
छोटी बच्ची हो क्या? अब नेक्की लेक को कवर करने के बाद हम एन रूट कर रहे हैं दिलवारा टेम्पल। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस टेम्पल, लाइक दिलवारा है या दिलवारा है, बट हाँ उधर ही निकल रहे हैं अभी। ये हमको पार्किंग मिल गई है दिलवारा मंदिर के जस्ट सामने, और ये आपका दिलवाड़ा मंदिर का एंट्री है। तो अभी हम दिलवाड़ा मंदिर से निकल गए हैं। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है कि आप मोबाइल वगैरह अंदर नहीं लेके जा सकते, तो हम एक एक करके अंदर दर्शन करके आए थे, तो इसलिए अंदर की कोई वीडियोज वगैरह नहीं है। अभी बैक टू होटल, उसके बाद लंच करके सनसेट व्यू पॉइंट के लिए निकलेंगे, क्योंकि कल भी गए थे लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया था तो सनसेट नहीं देख पाए थे, तो आज फिर से जाएंगे। आज हम लोग फिर से सनसेट पॉइंट पे आए हैं, क्योंकि कल जब आए थे तब सनसेट हो चुका था ऑलरेडी। यहाँ पर ये ट्रॉलीज चलती हैं जो आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री से लेके सनसेट पॉइंट तक लेकर जाती है। सनसेट व्यू पॉइंट पा चुके हैं, अभी 5 ही बज रहे हैं, बट लग रहा है कि सनसेट पहले ही हो जाएगा। जो यहाँ टाइमिंग बताई गई है वो 6:20 की बताई गई है, बट लग नहीं रहा है। बजाना भैया, सिटी बजा दो। ये है यहाँ का फेमस चाचा कैफे, दूसरा एक चाचा जिन करके होटल भी है। ये रूफटॉप बार है। भैया पाव भाजी तैयार करते हुए, नक्की झील अभी भी काफ़ी भीड़ है। ये यहाँ से तिब्बती मार्केट की शुरुआत होती है। नक्की लेक से आप सीधे लेफ्ट लेके चलेंगे, लेफ्ट बोले तो पोलो गार्डन की साइड में। अगर आपको यहाँ पर विंटर के लिए शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं यहाँ पे। ये थोड़ा अंडरग्राउंड भी है।
और एक और चीज़ यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो फिक्स रेट पर मिलने वाला है, यहाँ आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। बट जो भी प्राइसेस ये बताते हैं वो अब लॉजिकल है, ये बिल्कुल वैसे मार्केट है जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास मुनिस्ट्री के पास में तिब्बत मार्केट है। यहाँ आपको अगर वुलन आइटम शॉपिंग करनी है तो वो आपको मिल सकता है। एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ में, हमने अपनी कार पार्क की थी नक्की झील जाने के लिए, बट अभी हम लोकेशन भूल चुके हैं कि वो गाड़ी हमने कहाँ पार्क की थी। तो हमको बेसिकली गूगल मैप से पता पड़ा है अब कि हमने पार्क एग्जैक्टली कहाँ पार्क की थी। अभी हम वहीं जा रहे हैं और वो रूट को फॉलो कर रहे हैं, लेट्स सी हमको कार मिलती है कि नहीं। फाइनली मुझे लग रहा है कि हम उस लोकेशन तक आ गए हैं जहाँ पर हमारी कार पार्क है। एक्साइटमेंट देख सकते हैं आप, दिख गई लोकेशन, दिख गई कार, दिख गई। ये रही, हमने एक्चुअली एक टर्न गलत ले लिया जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। चलो आखिरकार मिल गई। चलते हैं होटल की।